हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज बात करूँ कॉमेडी के किंग के बारे में। दोस्तों कपिल शर्मा तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप लोग पता है इनकी रियल स्टोरी क्या है क्या नहीं है, और दोस्तों ये किस प्रकार से कॉमेडी दुनिया में आए थे और इनका घर कहाँ पर है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आप लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों यदि आप लोग भी ऐसे क्रिएटर और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वाली चैनल में जुड़ जाइए। यदि दोस्तों आप लोग मेरी वाली चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर के बारे में अभी बताना बाकी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कपिल शर्मा किस प्रकार से कॉमेडी दुनिया में आए हैं और दोस्तों आज इनकी रियल स्टोरी क्या क्या नहीं है। दोस्तों पंजाब के रहने वाले कपिल शर्मा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन दोस्तों कहा जाता है जो गरीब होते हैं उन्हीं को गरीबी मालूम रहता है। उसी प्रकार से दोस्तों स्टार्ट हुआ था इनकी लाइफ स्टोरी। दोस्तों स्टार्टिंग में ये अपने कॉलेज में ही दोस्तों कॉमेडी किया करते थे, और दोस्तों इनको बचपन से जुनून था कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूं। लेकिन दोस्तों घर के सपोर्ट न मिलने कारण से, दोस्तों कहा जाता है आर्थिक स्थिति यदि आपके घर का ख़राब हो तो दोस्तों आप लोग भी कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों उस प्रकार से स्टार्ट हुआ कपिल शर्मा की लाइफ स्टोरी, और दोस्तों देखते ही देखते इनको लोग कॉमेडी के किंग कहते गए। दोस्तों जैसे ही ये YouTube पे अपनी लाइव स्टोरी स्टार्ट की तो इनको भी पता नहीं था कि दोस्तों मेरी लाइव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है। लेकिन दोस्तों बचपन में ही इनको हसमुख लोग कहते थे, और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया करते थे और अपने दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा हंसाया करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही इनके पिता का तबीयत ख़राब हुआ और दोस्तों वो उनको बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करना पड़ा। स्कूल के साथ साथ दोस्तों इन्होंने बहुत सारे दुकानों पे काम भी किया, और दोस्तों जो भी पैसा इन्होंने कमाया सेठ पे ही सिर्फ अपने परिवार और अपने स्कूल में ही लगा दिया। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कम पैसे में कुछ होने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार से दोस्तों स्टार्ट हो गई उनकी लाइफ स्टोरी, जो कि दोस्तों इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। लेकिन दोस्तों इन्होंने खुद की लाइफ स्टोरी स्टार्ट की आकर दिल्ली सिटी में, और दिल्ली में आकर दोस्तों इन्होंने एक ऐसी एंटरटेनमेंट की दुनिया खड़ा कर दी कि लोग आज इनको देखते हैं और इनको देखकर कुछ ना कुछ करते हैं। दोस्तों कपिल शर्मा भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, आज लेकिन दोस्तों अमीरों में एक गिने जाते हैं। दोस्तों जितना पैसा गरीब लोग कमाते होंगे उससे ज़्यादा ये डोनेट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है यदि आपके अंदर भी टैलेंट हुनर है तो आप भी कपिल शर्मा के जैसा बन सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है टैलेंट ही लोग पहचान था, उसी प्रकार से टैलेंट ही आज इनकी पहचान बन चुकी है, जिसके कारण लोग कपिल शर्मा को जानते भी हैं और इनका वीडियो देखना पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग भी कपिल शर्मा के बारे में थोड़ा कुछ भी जानते हैं तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे हर रोज़ एक नई स्टोरी एक नई सोच सा, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।